एक बार बोनी चिड़िया के बेटे ने दूसरी चिड़िया के घर में जाकर उसका थोड़ा सा खाना चुरा लिया। जब बोनी चिड़िया को ये बात पता चली तो उसे और उसकी बहन को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर बोनी चिड़िया अपने बेटे को कहती है, बेटा पिंकू, ये जो तुमने काम किया है ये बहुत ही गलत काम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। बेटा, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ और न ही गुस्सा कर रही हूँ, बस समझा रही हूँ कि ये काम गंदे होते हैं, वरना इसका परिणाम बहुत गलत होता है। गलत परिणाम? माँ, इसका क्या मतलब है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें अच्छे से समझाने के लिए मैं तुम्हें एक बार की बात बताती हूँ। हाँ माँ, बताओ। एक बार की बात है, जंगल में एक कालू कौवा रहता था, वह काफी शैतानियाँ करता था। कालू कौवा हमेशा औरों का खाना चुराता था और किसी का भी घर बनने नहीं देता था। फिर एक बार बारिश आने वाली थी तो सब पक्षी उसकी तैयारियों में लग जाते थे, पर कालू कौवा न अपना घर बनाता था और न दूसरे का बनने देता था। फिर वो चटकली चिड़िया के पास जाता है। अरे चटकली चिड़िया, तुम मुझे अपना थोड़ा सा खाना दे दो, जब मुझे कल खाना मिलेगा मैं उसमें से तुम्हें दे दूंगा, आज मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है कालू कौवे, आज मेरा खाना तो तुम ले जाओ, पर तुम वापस देते नहीं हो, फिर दोबारा मांगने भी आ जाते हो। मुझे माफ कर दो, पर इस बार मैं पक्का दे दूंगा। फिर कालू कौवा खाना लेकर वहाँ से चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और इंतजार करता है कि कब चटकली चिड़िया अपने घोंसले से बाहर जाए और वो कब उसका घोंसला खराब करे। जैसे ही चटकली चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर जाती है, कालू कौवा चटकली चिड़िया का घोंसला खराब कर देता है। फिर चटकली चिड़िया आकर अपने घोंसले को देखकर रोती हुई बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, किसने मेरा घोंसला खराब कर दिया? अब बारिश का समय तो वैसे ही है, पता नहीं कब मौसम खराब हो जाए। जिस मनहूस ने मेरा घोंसला खराब किया है उसको मेरी हाय लगेगी, उसके साथ भी बहुत बुरा होगा। कालू कौवा ये सब देखकर वही दूसरे पेड़ पर छुपकर हंसता है और बाकी चिड़ियों के साथ भी वो ऐसा ही करता था। कालू कौवा कभी किसी की मदद नहीं करता था। एक बार एक पेड़ की टहनी टूट गई तो पेड़ ने कालू कौवे से मदद मांगी। कालू कौवे, तुम मेरी मदद कर दो, मेरी टहनी आधी टूटकर लटक गई है जिस कारण मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम इसे पूरी तोड़ दो। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? अपना काम खुद करो, और वैसे भी मेरे पास समय नहीं है। कालू कौवे, तुमसे बुरा इस जंगल में कोई नहीं है, अनजान लोग भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं, और तुम तो मुझे इतने सालों से जानते हो और मेरे फल भी खा जाते हो, तब भी तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। हाँ तो मुझसे मदद मांगी ही क्यों, मैंने थोड़ी बोला था कि मुझसे मदद मांगो। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। और फिर उस रात बारिश आ गई और कालू कौवा के पास ना ही खाने को कुछ था और ना ही सोने के लिए छत, क्योंकि उसने घर बनाया ही नहीं था, जिस कारण उसने पूरी रात बारिश में और भूखे पेट ही गुजारी, जिससे वो बहुत बीमार हो गया। उसके बाद किसी ने जंगल में उसकी मदद नहीं की और इसी तरह वो तड़प कर मर गया। तो पिंकू बेटा, समझ आया तुम्हें कि औरों के साथ बुरा करने से क्या होता है? और चोरी तो एक बहुत ही बुरा काम है, किसी को बिना बताए किसी की चीज लेना तो बहुत ही गलत है। हाँ माँ, कालू कौवे की हालत तो पतली हो गई जब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। बुरे लोगों के साथ कोई नहीं रहता है, ना ही कोई उन्हें प्यार करता है। माँ, मैं तो आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मुझे कालू कौवे की तरह नहीं बनना जिससे कोई बात भी नहीं करता था,
और ना कोई उसके साथ खेलता था। मैं तो एक अच्छी चिड़िया बनूंगा। ये हुई ना अच्छी बात। बोनी चिड़िया ये कहानी सुनाकर सीख देती है कि अगर किसी जरूरतमंद को हमारी जरूरत है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम किसी दूसरे का बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी उतना ही बुरा होता है जितना हम दूसरे के साथ करते हैं। और जो भी गलत काम हम करते हैं उसका नतीजा हमें इसी जन्म में मिलता है, और चोरी करना तो एक बहुत ही गलत बात है। चोरी करने की बजाय हमें औरों की मदद करनी चाहिए।